लाम किला दरहाल के सिखों के बाद 1965 से पाकिस्तानी आक्रमण के खिलाफ अपनी भूमि और लोगों की रक्षा करने की गौरवपूर्ण और वैवाहिक विरासत है। उनकी राष्ट्र की रक्षा के लिए विस्मयकारी वीरता और अदम्य बलिदान की गाथा है। क्षेत्र के सिखों ने 4 सितंबर से 28 अक्टूबर 1947 तक भारतीय सेना के आने तक मोर्चा संभाले रखा। 28 अक्टूबर 1947 को दरहाल किले के क्षेत्र में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन को खून से लथपथ कर दिया गया। हालांकि 10 बहादुर सिख शहीद हो गए और 28 अक्टूबर को शहीदगढ़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहादुर सिखों ने 1965 और 1971 के बाद के युद्ध के साथ साथ 1990 के दशक के चरम उग्रवाद काल के दौरान भी सेना के साथ लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देना जारी रखा। बहादुरी का सबसे विशिष्ट कार्य 1965 में लखनऊ पर कब्जा करने में शहीद प्रीतम सिंह का बलिदान और सितंबर 2000 में श्री बचित्तर सिंह द्वारा अकेले ही एक आतंकवादी को मारना है। किला दरहाल के सिखों के अनुकरणीय बलिदान को याद करने के लिए 1976 में 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह द्वारा शहीदगढ़ में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था, जिन्होंने गुरुद्वारे की आधारशिला भी रखी थी, जिसका निर्माण नागरिकों द्वारा किया गया था। 1976 भारतीय सेना की सहायता में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और स्थानीय जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए सितंबर 2006 में 511 GR द्वारा पुराने युद्ध स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया और पुरानी ईंटों को नए युद्ध स्मारक के लिए पुनर्चक्रित किया गया। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था, जिसके बाद 28 अक्टूबर 2006 को एक स्मारक सेवा और सामुदायिक दोपहर का भोजन आयोजित किया गया था। 30 फीट के 4 फीट ऊंचे मंच पर 12 फीट ऊंचे संगमरमर और ग्रेनाइट अधिक रचना पर सभी सेनाकर्मियों और नागरिकों के नाम उकेरे गए हैं। आजादी के बाद से झांगर और लाम के क्षेत्रों में वीरगति प्राप्त की। 2021 में किला दरहाल के बहादुरों को सम्मानित करने के लिए 54 राष्ट्रीय राइफल ने मौजूदा युद्ध स्मारक में एक बैठने की गैलरी जोड़कर युद्ध स्मारक का नवीनीकरण किया।